अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। यूज्ड कार डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार की ओर से इस बजट सत्र में लागू किए गए टैक्स को लेकर राहत देने की मांग उठाई है। सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा और उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 24-25 बजट में वाहन के कर के बढ़ाने से सभी यूज्ड कार डीलर्स परेशान हैं। सरकार के लागू हुए आदेश के विरोध में पूरे प्रदेश में कार डीलर्स आंदोलन पर उतरना शुरू हो गए। अध्यक्ष शर्मा और उपाध्यक्ष सिंह ने कहा कि बजट सत्र 2024-25 बजट में वाहनों का कर पूर्व में जो टैक्स जमा हो रहा था उसको बढ़ा के छूट का जो दायरा 80% था उसको 25% कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के कारण अन्य राज्यों के वाहनों की खरीद की जा रही है उस पर सीधा भार टैक्स बढ़ने के कारण वाहन की खरीद कम हो रही है। मार्च बजट में पूर्व सरकार द्वारा वाहनों पर 12.5% लिया जा रहा था उसको भी बढ़ाकर वर्तमान सरकार द्वारा 25% कर दिया गया है। अन्य राज्यों में नाम परिवर्तन के समय किसी प्रकार को टैक्स नहीं है जबकि यह भार राजस्थान सरकार द्वारा ही लिया जा रहा है। इसके कारण भी वाहनों के नाम परिवर्तन में भी कमी आई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार शर्मा व उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह ने बताया कि सरकार से टैक्स को कम करने सहित हमारी मांगों का निराकरण कराने की मांग को लेकर मंगलवार सुबह 11 बजे जिला परिषद से आरटीओ कार्यालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी और आरटीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन संबंध भारतीय मजदूर संघ की ओर से प्रदेश के आह्वान पर अजमेर के केंद्रीय बस स्टैंड पर पूर्व यातायात मंत्री यूनुस खान की ओर से विधानसभा में लोक परिवहन वालों की पैरवी और राजस्थान रोडवेज की अपेक्षा को लेकर सोमवार को रैली निकालकर और यूनुस खान का पुतला जलाकर रोष प्रदर्शन किया गया। फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आनंद सिंह ने बताया कि पूर्व परिजन मंत्री खान ने जिस प्रकार से व्यक्त दिए हैं राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी अचंभित और निराशा है और रोष से भरे हुए हैं। यूनुस खान के व्यक्तित्व के विरोध में आज बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन किया गया एवं रैली के रूप में पुतला फूंका, जहां सरकार एक और रोडवेज को नई बसें और एवं नवीन पदों पर नियुक्ति की घोषणा बजट में कर रही है जिससे रोडवेज उद्योग को संजीवनी मिली है। ऐसे में पूर्व यातायात मंत्री का बयान विरोधाभासी होने से रोडवेज कर्मचारी गुस्से में भरे हैं एवं पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में रोडवेज के अजमेरू और CBS अगर अजमेर के कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और काफी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। बेरोजगार पशु चिकित्सकों ने पशु चिकित्सा भारती 2019 का परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर सोमवार को राजस्थान लोकसभा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने राजस्थान लोकसभा आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपा। बेरोजगार पशु चिकित्सक संगठन के बैनर तले आज बेरोजगार पशु चिकित्सकों ने कहा कि राजस्थान में पिछले 10 वर्षों से पशु चिकित्सक की एक भी स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है जिसके कारण डिग्रीधारी विद्यार्थी लंबे समय से स्थायी रोजगार के मौके का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में 900 पदों पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती वर्ष 2019 से प्रक्रियाधीन है। इस परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है। जवाहर कला केंद्र में 23 से 28 जुलाई तक 6 दिवसीय नटराज महोत्सव होने जा रहा है। जवाहर कला केंद्र की सहभागिता में AU बैंक, रजा फाउंडेशन और फोर्थ वॉल सोसाइटी के संयोजन से होने वाले महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें रंगमंच, गायन व नृत्य का संयोजन देखने को मिलेगा। पहली बार किसी थिएटर फेस्टिवल में रेड कारपेट होगा। 23 जुलाई को मनीषा गुलियानी की कथक और मो अमान की शास्त्रीय गायन प्रस्तुति के साथ महोत्सव का उद्घाटन होगा। 24 जुलाई से 28 जुलाई तक प्रतिदिन शाम 7 बजे नाट्य प्रस्तुति होगी। 24 जुलाई को इश्तियाक खान द्वारा निर्देशित प्रसिद्ध नाटक द शैडो ऑफ ओथेलो का मंचन होगा। 25 जुलाई को देशराज गुर्जर निर्देशित गोर्धन के जूते नाटक होगा। 26 जुलाई को योगेंद्र सिंह के निर्देशन में हेनरिक इब्सन द्वारा लिखित बहुचर्चित नाटक एन एनिमी ऑफ द पीपल का प्रदर्शन होगा। 27 जुलाई को विशाल विजय के निर्देशन में प्रसिद्ध नाटक 12 हेनरी मेन का मंचन होगा। 28 जुलाई को संवाद प्रवाह में भारत रत्न भार्गव, आलोक चटर्जी, प्रेरणा श्रीमाली और जयंत देशमुख विचार रखेंगे। शाम 7 बजे जयंत देशमुख निर्देशित और आलोक चटर्जी द्वारा अभिनीत प्रसिद्ध नाटक नट सम्राट के मंचन के साथ महोत्सव का समापन होगा।
राजस्थान रोडवेज के सभी डिपो यूनिट और मुख्यालय पर सोमवार को बीएमएस यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन ने विधायक यूनुस खान के 20 जुलाई के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया है। फेडरेशन के महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि यूनुस खान ने रोडवेज की बजाय लोक परिवहन और प्राइवेट बसों को बढ़ावा देने की बात कही थी। खान का ये बयान प्राइवेट बस संचालकों से गठजोड़ को दर्शाता है। इसको लेकर रोडवेज मुख्यालय पर आज भोजन अवकाश पर विरोध प्रदर्शन कर पुतला फूंका गया। इसके बाद रोडवेज सीएमडी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।